बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस टुडेज लेसन स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उर्दू में इसे हम कहेंगे नातिक और गैर नातिक आदाद। तो इसके बारे में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं और आपको मालूमात देने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर दिस वन, सो यू मस्ट realized as these are the counting numbers, right? So the counting numbers are also known as unnatural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से और भी आगे हम देखें तो जो गिनती के आदाद होते हैं उन आदाद को हम तबई आदाद कहते हैं, ठीक है। तो तबई आदाद को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, याद रखने हैं हमें यहाँ पर। इससे पहले की जमातों में हमने इसकी मालूमात हासिल की है। यहाँ पर आपको क्या एडिशन नज़र आ रहा है? यहाँ पर डेफिनेटली आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमको गिनती के अलावा ज़ीरो दिखाई दे रहा है। सो 0, 1, 2, 3 एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। द काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स। दे आर 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, ठीक है। हमें याद रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4 आर द कॉल्ड होल नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। तो हम देखते हैं कि ये तबई आदाद और सिफर का सेट होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें? सो आप डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ पर हमें 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 इस तरह से हमें यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम सही आदाद कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। ये तबई आदाद सिफर और तमाम तबई आदाद के मुतजाद आदाद का सेट होता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें? उर्दू में इसे हम सही आदाद कहते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें कि ये तबई आदाद सिफर और तमाम तबई आदाद के मुतजाद आदाद का सेट होता है, यानी मजबित और मनफी दोनों किस्म के आदाद और सिफर, ये तमाम आदाद मिलकर जो है तो सही आदाद का ग्रुप तैयार होता है जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड आर होल नंबर्स, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये एक बात रह गई थी हमें होल नंबर्स के ताल्लुक से, उसे हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें? -25/3, -7/4, -4/0, -3/8, -32/3, and -67/5। सो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें? ये तमाम जो है तो इंटीजर्स है, सॉरी, ये तमाम जो है तो रैशनल नंबर्स है। क्या है? रैशनल नंबर्स है जिसे हम नातिक आदाद का ग्रो कहते हैं, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो हमने यहाँ पर देखा है इसमें कुछ बातें हमें ज़रूर से याद रखना है। इसमें हमें देखना है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर्स में द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। सो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें नेगेटिव यानी मनफी आदाद भी होते हैं, मस्बित आदाद भी होते हैं और सिफर भी होता है ना। तो हमें यहाँ पर याद रखना है और भी मज़ीद ये कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर इंटीजर्स के दार में इस बात को भी आपको जहन में रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कुछ ज़रूरी बातें थी बच्चों जो आपको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी थी। चूँकि हम आगे बढ़ रहे हैं सो वी मस्ट नो द बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स। सो दीज आर ऑल द बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, राइट। सो जो उम्मीद है कि आपने इस यहाँ तक ज़रूर से समझा होगा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उससे बढ़ते हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है वो नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स। सो हमें यहाँ पर बेसिकली ये बात को याद रखना है कि अगर एन और एम ये सही आदाद हो और एन इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो हम देखते हैं यहाँ पर कि एम अपॉन एन को हम नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट मिसिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में मज़ीद समझ लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं हम यहाँ पर, तो इफ़ एम इज़ एनी इंटीजर्स एंड एन इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर देन द नंबर एम अपॉन एन इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है, ध्यान देना है कि अगर एम और एन सही आदाद हो और एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अदद एम बटे एन को नातिक अदद यानी रैशनल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, बहुत इजी है बच्चों, हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं -25 अपॉन 3, 7 अपॉन -11, -9, 0, 10, 23 अपॉन 13, ये सब क्या है, नातिक आदाद हैं। क्या है ये तमाम नातिक आदाद हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स, -25 अपॉन 3, 7 अपॉन 11, -11, 9, -9, 0, 10 और 23 अपॉन 13, दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखें बच्चों कि कोई भी दो नातिक आदाद के दरमियान ला तादाद नातिक आदाद होते हैं। ठीक है, अब ये जो नुक्ता है इसे हम यहाँ पर और भी मज़ीद समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना हमें कि देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल हम यहाँ पर एक ले लेते हैं।
जैसे हम यहाँ पर देखें कि कोई दो नातिक आदात के दरमियान जो है तो आदात किस तरह से मिलाते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के दरमियान नातिक आदात यहाँ पर मालूम करना है हमें। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 6/10 और 4/3/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 6/10। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर तो 2/4 × 2 और 5/2, राइट, सो 4/2 इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, दिस विल बी 8 और 3/3 × 2 और 5/2, सो 5/2 इज इक्वल टू 10, राइट, और 3/2 इज इक्वल टू 6, राइट। सो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बिलतरतीब जो है तो 3/5 और 4/5 के ये मसावी है ना, इट इज इक्वल इन टू 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली 12/15 एंड 9/15 एंड 16/20 एंड 12/20, इसी तरह से 20/25 एंड 15/25 ये जो है तो बिलतरतीब हम देख रहे हैं कि 4/5 एंड 3/5 के ये मसावी होगा। ठीक है, सो दीज आर इक्विवेलेंट टू 3/5 एंड 4/5, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो 3/5 और 4/5 के मसावी है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 3/5 और 4/5 के दरमियान हमें जो है तो जो आदात यहाँ पर मिलेंगे नातिक आदात वो होंगे 7/10, 10/15, 11/15, 13/20, 14/20, 15/20, 16/25, 17/25, 18/25 and 19/25. So these all are the rational numbers between 3/5 and 4/5. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 3/4, 3/5 और 4/5 के दरमियान तो बच्चों ये तमाम नातिक आदात एंजॉय कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी यही आपके समझ में आए, मज़ा आ रहा होगा ना देखने के पर क्या हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करें इसे, क्या नज़र आ रहा है इसे। देखा है ना आपने इससे पहले की क्लास में इस तरह से कुछ सरगर्मी ज़रूर से की होगी आपने, है ना, इससे पहले की जमातों में। मज़ा आया, ऑब्जर्वेशन किया है क्या हो रहा है। सो
उम्मीद है ज़रूर से आपने यहाँ पर मज़ा लिया होगा। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अददी ख़त पर नातिक आदाद किस तरह से दिखाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आगे। टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन पॉजिटिव साइड। ये नंबर लाइन है, राइट, दिस वन इज़ अ नंबर लाइन और ये साइड में हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स बताते हैं। ठीक है, ज़ीरो की राइट साइड में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन पॉजिटिव साइड। ठीक है, इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव साइड इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन आप बिफोर ज़ीरो, लाइक दिस। ठीक है, याद रखने हैं हमें यहाँ पर। सो अगर आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है माइनस टू अपॉन थ्री, यहाँ पर हम देख रहे हैं टू अपॉन थ्री और यहाँ पर देख रहे हैं सेवन अपॉन थ्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये किस तरह से आया है, तो यहाँ पर अगर गौर करें हम देखें तो कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर याद रखना है कि किस तरह से आया होगा। सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ तक आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। ज़रूर से आप जो यहाँ पर हमने आपको नंबर लाइन बताई है इसके बारे में आप जो है तो समझेंगे, और मज़ीद जो किताब में एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंटिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज़।